आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री की वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूंगा, वो एक और फिल्म मेकर हैं, श्रीनाथ पटनकर। आप 1880 में पैदा हुए और आपको शुरू से फिल्म मेकिंग से लगाव था, लेकिन उस वक्त फिल्म का आगाज़ हुआ नहीं था। तो दादा साहब फाल्के हिंदुस्तान में पहले फिल्म मेकर माने जाते हैं, लेकिन जब आप फिल्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो श्रीनाथ पटनकर का नाम भी उनके साथ ही आता है। तो इनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई और ये कैसे उनसे पीछे रह गई या इनका नाम पहले क्यों नहीं आता, इसके बारे में बात करेंगे। श्रीनाथ पटनकर ने पहले एक सिनेमा में डेकोरेशन का काम करते थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। फिल्म नई नई आ रही थी तो इन्होंने, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, भट्ट वाडिकर, हरीश चंद्रा, भट्ट वाडिकर, उनकी शॉप थी, फोटोशॉप थी, वो उस वक्त के बॉम्बे में बहुत बड़े फोटोग्राफर थे। उन्होंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म बनाई, उनका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। इन्होंने वहाँ से कैमरा लिया, बाकी लोगों ने तो लंदन से कैमरा मंगवाया, लेकिन इन्होंने फिल्म मेकिंग के लिए कैमरा भट्ट वाडिकर साहब से ख़रीदा। और इन्होंने वीपी देविकर और एक और शख्स थे कारिंडीकर, इन तीनों ने मिलके, इसको फिल्म मेकिंग का ट्रियो भी कहते हैं, इन तीनों ने मिलके एक फिल्म कंपनी बनाई और इन्होंने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू की। सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई वो किंग जॉर्ज फाइव की कॉरोनेशन सेरेमनी थी। इन्होंने किंग जॉर्ज फाइव की कॉरोनेशन सेरेमनी को कवर किया, उसके बाद इन्होंने एक फ्यूनरल भी रिकॉर्ड किया, उसकी भी शॉर्ट फिल्म बनाई। और उसके बाद जो इन्होंने कंपनी बनाई तीन बंदों ने मिलके, वीपी देविकर और मिस्टर करांडीकर, इन्होंने एक फिल्म कंपनी बनाई और इन्होंने बाकायदा तौर पे फिल्म बनाई। और इनकी पहली फिल्म थी सावित्री, जो 1912 में बनी, और उसके बाद इन्होंने दो फिल्में और भी बनाई, लेकिन बदकिस्मती से जब ये फिल्म बना चुके सावित्री, तो जब इन्होंने उसके रश, उसके उसका प्रिंट देखा तो सारी फिल्म ब्लैंक थी और इनकी सारी कोशिश ज़ाया होगी। अगर वो फिल्म रिकॉर्ड हो जाती, वो वाचना होती, तो ये दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्रा से पहले, उससे पहले ये फिल्म होती सावित्री, और हिंदुस्तान की पहली फिल्म सावित्री होती। और पटनकर फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, फिल्म डायरेक्टर भी थे, और इन्होंने बेशुमार फिल्मों में एक्टिंग भी की, और आप इनको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी कह सकते हैं। और सावित्री बनाने के बाद इन्होंने दो फिल्में और बनाई, और उसके बाद ये के बाद दिग्रे ये फिल्म बनाते गए। और इनकी जो पहली फिल्म जो कंसीडर की जाती है, सावित्री नहीं है बल्कि इन्होंने जो इनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, एग्जाइल ऑफ रामा या राम बनवास, वो इनकी पहली फिल्म थी जो 1917 में रिलीज़ हुई। और इस दौरान इन्होंने एक और शख्स इनकी कंपनी में शामिल होगा, उसका नाम था द्वारका दास संपत। और जब द्वारका दास संपत इनके साथ शामिल हुए तो इन्होंने बेशुमार फिल्में बनाई और काफ़ी कामयाब फिल्म बनाई। और आप अगर देखें फिल्म मेकिंग की दुनिया में, जो हिंदुस्तान में जो फिल्में बनी, दादा साहब फाल्के की जगह के मुकाबले में इनकी फिल्में ज़्यादा कामयाब साबित हुई और ज़्यादा मुकम्मल थी, क्योंकि इनकी सिनेमेटोग्राफी, इनकी फिल्मिंग, क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी खुद लिखते थे और ये एक्टिंग भी करते थे, इन्होंने कमोबेश 13-14 साल के अरसे में इन्होंने कुछ 40 फिल्में बनाई, जिसमें वो शुरू की तीन फिल्में जो वेस्ट हो गई, जिसमें सावित्री शामिल थी, और उसके बाद आखिरी फिल्म इनकी थी सत्या विजया। और इस दौरान इनसे द्वारका
दास संपत अलहदा हो गए, उन्होंने एक और फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली, उसका नाम था कोहिनूर फिल्म कंपनी। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और आप हिंदुस्तान में दादा साहब फाल्के के बाद अगर किसी शख्स को फिल्म इंडस्ट्री का बानी कह सकते हैं, या उनका कंटेम्प्री या उनका हमअसर या उनका उनका मद्दे मुकाबिल, तो वो हैं श्रीनाथ पटनकर। और इन्होंने 40 फिल्में बनाई। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे वो फिल्म जो 1914 में बनी। 1914 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी, लेकिन वार जो है वो इंडिया में नहीं थी, वार दूसरे मुल्कों में थी। तो इंडियन फौजी, इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी के साथ थे, इंडो सब कॉन्टीनेंट के जो लोग थे, वो अंग्रेज़ों के लिए जंग करने दूसरे मुल्कों में गए हुए थे। इसलिए इंडिया में साल में एक दो फिल्म बन जाती थी, लेकिन फिल्म मेकिंग का सही आगाज़ जब फिल्म मेकिंग रूज पे पहुंची, बहुत सारी कंपनियां वजूद में आई, वो है 1919। और फिल्म का जो डाटा है वो 1920 से शुरू होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि 1914 में जो फिल्म बनी उनके बारे में बात करूं, 1915, और उसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया।